42 साल बाद जिंदा होकर लौटी ये महिला। इसके आगे की कहानी चौंकाने वाली। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। जी हाँ, यहाँ 42 साल बाद एक महिला मरकर जिंदा लौटी है। यकीन नहीं हो रहा ना, खुद महिला के गांव वाले ही इस घटना से हैरान है। महिला अपनी पहचान बताने के लिए DNA टेस्ट तक कराने को तैयार है। मामला ने ऐसी तूल पकड़ी कि जिले भर के लोग इसी बारे में चर्चा कर रहे हैं। प्रशासन में मच गया हड़कंप। महिला के अचानक यूं सामने आने से प्रशासन की परेशानी सबसे ज्यादा बढ़ गई है। जी हाँ, दरअसल हुआ यूं कि आजमगढ़ कप्तानगंज थाना के भवनपुर निवासी महिला को अभिलेखों में मृत दिखा दिया गया। यह सब जांच अधिकारी BDO के निर्देश पर किया गया। ग्राम विकास अधिकारी ने बिना गांव में गए और जांच किए महिला की मृत रिपोर्ट लगा दी, जिससे कि महिला को मरा हुआ दिखा दिया गया। सरकारी कागजात में महिला की मौत 42 साल पहले दिखा दी गई। जब इस बात की जानकारी महिला को हुई तो उसने गलत रिपोर्ट लगाने का आरोप लगाकर DNA टेस्ट कराने की चेतावनी दे दी। इसके बाद भवनपुर निवासी बंशराजी पत्नी बोधन यादव ने 7 अगस्त को संपूर्ण समाधान दिवस पर सगड़ी तहसील में प्रार्थना पत्र दिया। उसने लिखित और पर आरोप लगाया कि उसे फर्जीवाड़ा कर अभिलेखों में मृतक दिखा दिया गया, जबकि वह जिंदा है। महिला ने बताया कि उसे 1976 में मृतक दिखाया गया है, जबकि उसके पास मौजूद 1988 और 81 की परिवार रजिस्टर की कॉपी में वो जिंदा है। सिर्फ इतना ही नहीं, महिला के पास अपना आधार कार्ड भी है। इस तरह पकड़ में आया फर्जीवाड़ा। शिकायत संख्या 396,51,80,1,917 की जांच के लिए प्रभारी अधिकारी संपूर्ण समाधान दिवस ने BDO बिलियागमनज को अधिकृत किया। BDO ने इसकी जांच ग्राम विकास अधिकारी सत्य प्रकाश सिंह से कराई। सत्य प्रकाश सिंह ने बिना पीड़िता से मिले और ग्राम प्रधान का बयान लिए रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी कि बंशराजी पत्नी बोधन की मौत दिनांक 8 जुलाई 1976 को हो चुकी है। प्रकरण कर दिया निस्तारित। प्रकरण को निस्तारित कर दिया गया है। पीड़िता बंशराजी ने बताया कि जांच अधिकारी सत्य प्रकाश सिंह नगांव आए और न ही कोई जांच की। मैं जिंदा हूँ और अपने भतीजे राम कोमल के पास रहती हूँ। मेरे पास 3 जीवित शादीशुदा पुत्रियाँ हैं। यदि कोई शक है तो मेरा DNA टेस्ट करा लिया जाए। जांच अधिकारी सत्य प्रकाश सिंह ने मृत्यु प्रमाण पत्र और शवदाह प्रमाण पत्र की बात की है। न तो मुझे कोई प्रमाण पत्र दिया जा रहा है और न ही विपक्षी का नाम पता बताया जा रहा है। महिला ने यह भी आरोप लगाया कि सत्य प्रकाश सिंह ने नाजायज लाभ लेकर अपने पद का दुरुपयोग करते हुए उसे मृतक घोषित करने के लिए गलत सूचना परिवार रजिस्टर में भर दी। इसी के चलते रिपोर्ट गलत हो गई। सच्चाई तो ये है कि गांव के कुछ लोग बेईमानी से महिला की संपत्ति हड़पना चाहते हैं। बंशराजी नामक इस महिला की उम्र 92 वर्ष हो चुकी है। वहीं गांव में केवल कुछ आबादी की जमीन बची है। महिला ने इसे अपने भतीजे राम कोमल को वसीयत किया है, लेकिन जब तक महिला जीवित है तब तक जमीन पर मालिकाना हक महिला का रहेगा। महिला का कहना है कि इसी जमीन के लिए उसे मृतक घोषित किया जा रहा है। इस बाबत जब BDO बिलियागंज से बात की गई तो उन्होंने बताया कि मामला जानकारी में है। यदि बंशराजी जिंदा है तो मैं जल्दी ही मिलकर अभिलेखों की जांच करूंगा और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करूंगा। इस बारे में SDM सगड़ी पंकज कुमार श्रीवास्तव का कहना है कि प्रकरण संज्ञान में नहीं था। स्वयं गांव में जाकर मामले की जांच करूंगा। यदि किसी कर्मचारी या अधिकारी की ओर से गलत रिपोर्ट लगाई गई है तो इसके बारे में जिलाधिकारी को रिपोर्ट भेजी जाएगी।